तो ऑफ कैमरा माइनिंग करते करते मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला और मैं उसे एक एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ। और उसके लिए मुझे ये सोल सेंट चाहिए होगी। सोल सेंट की एक बहुत ही ख़ास प्रॉपर्टी होती है, एक क्या कहते हैं, हाँ, ये किसी वाटर सोर्स के नीचे अगर प्लेस कर दिया जाए तो ये कोई भी एंटिटी एनिहिलेट करना शुरू कर देता है, ऊपर को फेंकना शुरू कर देता है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा। चलो अब दिखाता हूँ कहाँ पर मिला मुझे। काफ़ी दूर था भाई, हंगर बढ़ गई मेरे भाई, भागते भागते सब ख़त्म हो गए मेरा हंगर बार्स। यहाँ से ऊपर को था शायद से, हाँ ये रहा, ये जो केज जैसे दिख रहा है ये है स्पॉनर, इससे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं। वैसे नॉर्मली भी डार्कनेस में हो जाते हैं लेकिन इसमें हमेशा ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं इसके होने से। अगर यहाँ मैं लाइट्स कम कर दूँ तो ज़ॉम्बी स्पॉन होने लग जाएंगे। ने यहाँ पे, अरे ये क्या है, अच्छा ये तो घर जाने का रास्ता है। यहाँ पे हमने पूरा, यहाँ पे आके सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिरेंगे और ज़्यादा हेल्थ कम नहीं होगी उनकी। रुको एक सेकंड, यहाँ पे एक स्लैब लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हॉपर लगा दिया और चेस्ट लगा दिया। तो अगर तुम्हें पता नहीं इससे क्या होता है, अगर मैं ऐसे ऐसे ये ब्लॉक्स फेंकूँ तो ये हॉपर में जमा होंगे और फिर सीधे इस चेस्ट में आ जाएंगे। बहुत फ़ायदेमंद होता है हॉपर। बाद में अभी मैं और कंस्ट्रक्शन करूँगा, उसमें भी डालूँगा शायद से। चलो अब तो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या हो चुका है। अभी मैंने पूरा पूरा एरिया खोद दिया है, यहाँ से चार नीचे, चार ऊपर, चार इधर, चार उधर। स्पॉनर पूरा खुल चुका है। अब मैं यहाँ पूरा पानी पानी करूँगा ताकि सब लोग बह के आएँ और यहाँ गिर जाएँ और फिर सब फाइनल होके एक साथ यहाँ पे आएंगे। और यार यहाँ का समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है यहाँ रुक जाएंगे, काफ़ी रहेगी फॉल डैमेज। फिर यहाँ से ज़ॉम्बी जाएंगे और पटाख गिरेंगे और मर जाएंगे। मरेंगे नहीं, मैं मारूंगा ना, तभी एक्सपी मिलेगी मेरे को। अरे यार खा लेता हूँ थोड़ा। लूटिंग 3 सॉर्ड है, बहुत सारे वो भी मिल जाएंगे रॉटन फ्लैश। फिर मैं उन्हें विलेजर्स को बेच के एमरल्स कमाऊंगा। पीछे से अब 1992 की वो थीम बजा दो। क्या करें, हम शुरू करें या फिर थोड़ा वेट करना है? यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं देख चेक करके आता हूँ बनाते कैसे हैं। अबे यार यूट्यूब पे मैंने देखा यहाँ पे एक आइस ब्लॉक होना चाहिए ताकि वो ऐसे ऐसे यहाँ और फिसल जाएं। बिना आइस ब्लॉक के नहीं होगा। और यार मुझे अभी तक आइस वायु मिला नहीं है तो ये प्रोजेक्ट मुझे थोड़ा हॉल्ट करना पड़ेगा।